प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने जनवरी से जून तक जो पढ़ाई हुई है उसके परीक्षाओं की तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। परीक्षाएं 25 सितंबर से शुरू हो रही हैं, जिसके लिए प्रदेश भर में 40 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 7,800 परीक्षार्थी इन परीक्षाओं में भाग लेंगे। प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड के सचिव सुनील वर्मा ने बताया कि कोविड-19 के चलते सभी परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइजेशन, थर्मल स्कैनिंग और सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के निर्देश हैं। बच्चों को एडमिट कार्ड के साथ मास्क पहनने, पानी की बोतल लाने और अपना मटेरियल किसी से शेयर न करने की बात कही गई है। जिन स्टूडेंट्स की री अपीयर है और जो बच्चे फाइनल ईयर के हैं, इसके बारे में UGC की गाइडलाइन आई थी, उनके एग्जाम होने ही हैं। जिनके लिए व्यवस्थाएं की हैं, इस तरह से व्यवस्था की है कि बच्चे घर से परीक्षा देने आएं और परीक्षा देकर वापस घर पहुंच जाएं। तकनीकी शिक्षा बोर्ड के सचिव सुनील वर्मा ने बताया कि जहां पर बहु तकनीकी संस्थान नहीं है, वहां ITI में भी परीक्षा केंद्र बनाए हैं। कोविड-19 के चलते बच्चों को ऑनलाइन ये सुविधा दी गई है कि यदि वे अपना परीक्षा केंद्र बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं, क्योंकि बोर्ड के नियमानुसार परीक्षा केंद्र वही होता है जहां बच्चे की पढ़ाई चल रही होती है। ऐसे बच्चों ने आवेदन किया था जिनके परीक्षा केंद्र बदले भी गए हैं। एडमिट कार्ड जो पहले संस्थान में जाकर ही मिलते थे, उन्हें भी वेबसाइट से अपलोड करने की सुविधा प्रदान की गई है। प्रश्न पत्र सारे भेजे जा चुके हैं। तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने बच्चे रेगुलर सेमेस्टर, इंटरमीडिएट सेमेस्टर में थे, सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में थे और फर्स्ट ईयर फार्मेसी इन स्टूडेंट्स को तकनीकी बोर्ड ने UGC के गाइडलाइन अनुसार सरकार से अनुमति आने उपरांत पिछले सेमेस्टर की परफॉर्मेंस और इस बार इंटरनल असेसमेंट के अनुसार प्रमोट कर दिया गया है, जिसका रिजल्ट बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने इस बार जनवरी से जून 2020 तक जो हमारी पढ़ाई हुई, उसकी जो परीक्षाएं होनी थी, उसके बारे में पूर्ण तैयारियां कर ली गई हैं। जो बच्चे रेगुलर सेमेस्टर्स में थे, इंटरमीडिएट सेमेस्टर्स में थे, सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर और फर्स्ट ईयर फार्मेसी, उनको हमने UGC गाइडलाइंस के अनुसार सरकार से अनुमति आने के उपरांत उनको प्रीवियस सेमेस्टर्स की परफॉर्मेंस और इस बार की इंटरनल असेसमेंट के अनुसार उनको प्रमोट कर दिया गया है। उनके सारे रिजल्ट्स निकल के बोर्ड की वेबसाइट पे उपलब्ध हैं। जिन बच्चों के री अपीयर्स हैं और जो फाइनल ईयर्स के बच्चे हैं, फाइनल सेमेस्टर्स के बच्चे हैं, UGC से गाइडलाइंस आई थी कि उनके एग्ज़ाम होने ही हैं, इसके लिए पूर्ण हमने प्रबंध करने के उपरांत ऐसा प्रबंध किया है कि बच्चों को घर से ही परीक्षा देने आए और वो शाम को घर पहुंच जाए, तो इसलिए हमें 40 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस बार ITIs को भी हमने, जहां पे हमारे पॉलिटेक्निक नहीं है, उनको भी इन्वॉल्व किया है, वहां भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बच्चों को ऑनलाइन हमने सुविधा दी कि यदि आप अपने परीक्षा केंद्र बदलना चाहते हैं, क्योंकि बोर्ड के नियमों में परीक्षा केंद्र वही होता है जहाँ उसकी पढ़ाई चल रही हो, लेकिन कोविड के चलते हमने ये एक सुविधा प्रदान की है, यदि कोई बच्चा अपना सेंटर बदलना चाहता है, तो ऐसे बच्चों ने बोर्ड में अप्लाई किया और उनके सेंटर बदल दिए गए हैं। और उनको हमने जो एडमिट कार्ड भी थे पहले, तो इंस्टीट्यूशन में जाके लेने होते थे, पर हमने वेबसाइट पे उपलब्ध करा दिए। बच्चा अपना रोल नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ के साथ अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकता है और कर रहे हैं बच्चे। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हमें ईमेल के माध्यम से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही अभी हमारे सारे क्वेश्चंस पेपर जा चुके हैं, जो भी और एग्जामिनेशन मटेरियल भी था उसको भी हमने अवॉइड किया ट्रांसपोर्टेशन, और उसके लिए वो इस बार सभी संस्थान एडमिट अपने कट लिस्ट, अटेंडेंस लिस्ट और भी कोई जो स्टेशनरी है वो डाउनलोड कर लेंगे अपने ही सेंटर में। उनको निर्देश दे दिए गए हैं कोविड के अनुसार सभी सेंटर्स को कि वहाँ पे सैनिटाइजेशन, थर्मल स्कैनिंग, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग, उसको फॉलो किया जाए। एट द सेम टाइम बच्चों को भी इंस्ट्रक्शन एडमिट कार्ड में जारी कर दी कि आप मास्क पहन के आएंगे, अपना वाटर बॉटल लेके आएंगे, अपना मटेरियल किसी भी दूसरे साथी से शेयर नहीं करेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी टीम इस बार इस कोविड के चलते पूर्ण प्रबंध को देखते हुए अच्छे से हम एग्ज़ाम कराएंगे, और सभी बच्चे जो हैं, जो परीक्षाओं को लेकर परेशान थे, अब अपनी परीक्षाएं दे पाएंगे और इन सब के रिजल्ट्स
टाइम पे निकल जाएंगे, ताकि वो आगे आगे यदि किसी ने पढ़ाई करनी है, आगे हायर एजुकेशन में जाना है, तो हायर इंस्टीट्यूशन में वो अपना समय पे एडमिशन ले सकें।